ताला लगा हुआ है। भी नहीं उठा रहे हैं हम। फिर हम एक काम करें, हम कोई हॉस्पिटल चेक करें। चलो मम्मी, कब तक ऐसे टहलती रहेंगी? बैठ जाएं आप। बेटा कैसे बैठ जाऊं? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। ना तुम्हारे बाबा फोन करके कुछ बता रहे हैं और ना ही इशरत बहन का कोई फोन आया है। मैं तो कहती हूँ मुसल्ला डाल के बैठ जाओ, दुआएं मांगना शुरू कर दो अपनों के लिए। अपनों की दुआएं अनहोनी टाल दिया करती हैं। हाँ लेकिन एक बात है, अपना समझा जाए किसी को तो। मैं तो कहती हूँ यहाँ बैठे बैठे हम कर क्या रहे हैं, चलो इशरत के घर चलते हैं। मैं गई थी उनके घर लेकिन ताला लगा हुआ था, यकीनन हॉस्पिटल ही गए होंगे। गजाला, गजाला, क्या हुआ कबीर? मजर कैसा है? मानी हम उनके घर गए थे मगर कोई था नहीं घर पे। फिर जो आसपास के जो अस्पताल है वहां पे भी गए, कोई नहीं मिला। मैं उनको फोन भी किया मगर फोन ही नहीं उठा रहे। तुम क्या मतलब है इस बात का? तो भैया आप लोग किसी आस पड़ोस से पूछ के आना चाहिए था ना, ऐसे बगैर पूछे आप लोग घर कैसे आ गए? अरे भाई कोई सिरा मिले तो उन तक पहुंचे ना। मैं भी परेशान हो गया, आदिल ने भी बहुत कोशिश की है, उनका कोई पता नहीं चला। खैर हम जाएंगे दोबारा देखने के, वो आ गए हो शायद। इन सब चीजों के पीछे ना आप जिम्मेदार हैं। अम्मी क्या हो गया है आपको? कभी आप बाबा को कसूरवार ठहराती हैं तो कभी कोमल को, जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि सारा का सारा कसूर मजहर का है और किसी का नहीं। कसूर है इनके शय की वजह से ही ना। आज तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। मैं भी माँ हूं इनकी। आपको क्या लगता है मुझे इन लोगों की कोई फिक्र नहीं है? इनके घर बसाने की, इनकी जिंदगियों की, इनकी खुशियों की। मानी प्लीज अपने आप को संभालें। देखिए हम सब कोशिश तो कर रहे हैं ना, इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा, मजहर को सब ठीक होगा। कितनी बार मैंने इनसे कहा है कि एक फोन कर लें, लेकिन नहीं, मेरी तो ये सुनते ही नहीं है।